हेलो एवरीवन मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल ये फिफ्टीन अगस्त से लेकर ट्वेंटी तो अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं टैरो प्रडिक्शन्स हैं और देखिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और हाल फिलहाल पर्सन ऑन योर माइंड देयर करंट एनर्जीज थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस इंटेंशंस देयर नेक्स्ट स्टेप्स पे वीडियो अपलोड हुआ है और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और देखिए अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि देखिए ये हमारे लिए बहुत 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 होता है अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी कॉन्टेक्ट इन्फो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड सेकेंड थिंग बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टारो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें तो देखिए टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं चाहे फिर वो आपका सन साइन हो मून साइन हो एसेंडेंट हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशि फल तो चलिए लिबराज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड द क्वीन ऑफ कीज और ये कार्ड्स कहते हैं कि स्पेसिफ़िकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी एक डिससेटिसफेक्शन एक उदासी एक मायूसी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं लेकिन एस ऑफ कप्स के नीचे द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड कहता है कि मनी पैसा टैंजबल मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक रीज़न रह सकती हैं और ये थोड़ा थोड़ा सब लिए डिफर करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि जितनी सैलरी आपको मिल रही है अगर आप जॉब करते हैं उससे आप इतने सेटिसफाइड नहीं हैं जो बिज़नेस में हैं जितना प्रॉफिट आपको हो रहा है उससे आप सैटिस्फाइड नहीं हैं या फिर जिस इंसान के साथ आपकी फ़ाइनेंशियल डीलिंग्स हो रही हैं उनकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं तो देखिए जो दो तीन चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा यहाँ पर ब्रॉडली स्पीकिंग कार्ड्स कहते हैं कि मनी पैसा फ़ाइनेंसेस ट्रांजेबल चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इशूज़ छोटे मोटे मसले रह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं किसी तरीके की एक फ्रेश स्टार्ट अपने प्रोफेशनल फ्रेंड में करना चाह रहे हैं और मेटेरियलिस्टिक टैंजेबल चीजें मनी पैसा एक इशू है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा उदास थोड़े से मायूस हो रहे हैं तो देखिए ये वीकली रीडिंग होती है लिब्रास बहुत बड़े कोई मसले नहीं होते हैं छोटी मोटी चीज़ें हमें परेशान करती हैं और वैसे भी देखिए कार्ड्स भी कहीं छोटी मोटी चीज़ों की ही बात करते हैं यहाँ पे एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहीं एक यू नो स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है और यकीन मानिए ये स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है और मैंने हमेशा कहा भी है एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा हो हम इंटरनली उस कैसे परसीव करते हैं हमारा सेल्फ टॉक उसको लेकर क्या होता है वही डिटरमिन करता है हम उदास होंगे या परेशान होंगे और अगर इस वीक आप थोड़े से मायूस परेशान हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी सेल्फ़ टॉक नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव नहीं होगी और अगर आप इसको थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करके इम्प्रूव कर लें या मैं कहूँगी चेक करके करेक्ट कर लें तो आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलेंगे और देखिए जब स्टेट ऑफ माइंड बदलेगा तो मसले अपने आप हल हो जाएंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी इश्यूज जो भी परेशानियाँ होती हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितना कि हमारा माइंड उसको बड़ा बना देता है और फिर हम उसी एनर्जी में वाइब्रेट करने लगते हैं और वही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करने लगते हैं तो देखिए एक बहुत ही पावरफुल तरीका अपने मसलों अपनी इश्यूज को ठीक करने का होता है अपना स्टेट ऑफ माइंड बदल लें और यही कहीं इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप लोगों को करने की जरूरत है एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स इन द सेंस ऑफ टाइम और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक या तो फैमिली गेट टुगेदर फैमिली री या किसी तरीके की सेलिब्रेशन आपके पर्सनल फ्रंट में हो रही है या फिर फैमिली से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को बहुत इन्वॉल्व कर रहे हैं नटसल में देखिए आपकी क्लोज़ फैमिली आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आपके लिए काफ़ी अहम रह रही है या फिर से मैं कहूँगी कि उनकी एक्टिविटीज़ में उनकी किसी चीज़ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देखिए हो सकता है इसी वजह से या अदरवाइज भी किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर आपको ऐसे लग रहा है कि समय टाइम आपके हाथ से निकलता जा रहा है या फिर मैं कहूंगी मुद्दा इस वीक आप लोगों के लिए रह सकता है तो देखिए अगर आप किसी फैमिली सेलिब्रेशन गेट टुगेदर रीयूनियन में बहुत इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट काम आप करना चाहते हैं साथ के साथ उस उसके लिए इतना टाइम आपके पास नहीं रह रहा है और आप मन ही मन परेशान हो रहे हैं कि कैसे यह काम आपका पूरा होगा या फिर कोई भी और चीज हो सकती है जिसको लेकर टाइम एक कंसर्न रह सकता है यानी कि आप करना चाह रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पास उतना टाइम नहीं है टाइम आपके हाथ से निकला जा रहा है और देखिए ओवरऑल के लिए मेटेरियलिस्टिक टैंजेबल चीजें मनी पैसा आप लोगों के लिए काफी अहम रह सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी परचेज या तो आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या फिर देखिए कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि आप किसी लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं और देखिए सरफेस लेवल के लिए जहाँ एक स्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी भी रहती हुई दिख रही है फैमिली मेम्बर्स की तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं वहीं फिर से मैं कहूँगी कि समय आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए सफिशियंट टाइम सफिशियंट समय आपके पास नहीं है तो यहां पे मैं आपको यही कहूंगी लेब्रास की एक कोटेशन है जो है जितना है उतना ही आप यूटिलाइज़ करें जब हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है या फिर यू you नो know, नहीं हो सकती हैं तब हम खाम खा अपने आप को परेशान करते हैं और जो हमारे पास है जितना हमारे पास है हम उस पर फोकस करके जो भी चाहते हैं उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं तो अपने गोल अपने मकसद को हम पा ही लेते हैं तो इस चीज़ का ख़्याल स्पेसिफिक ली अपने पर्सनल फ्रेंड में इस वीक आप जरूर करें एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इस वीक ज़रूर इन्वॉल्व करें क्योंकि देखिए जब हम सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो भी सुप्रीम सोल की एनर्जीज़ होती हैं पीस लव पावर ब्लिस वो सब हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं अपनी एनर्जीज़ में लेकर आते हैं जिसकी वजह से कुछ इश्यूज कुछ मसले अगर हमारी लाइफ में हो तो वो बहुत आसान हो जाते हैं ये चीज़ें हमें इतना स्पिरिचुअली मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बना देती हैं कि अगेन हमारे मसले बहुत छोटे हो जाते हैं वैसे तो हमेशा ही हमें स्पिरिचुअल रिलीजस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व अपने आप को करना चाहिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम डिवाइन से कनेक्टेड रहें लेकिन देखिए इस वीक तो आप लोगों के लिए बहुत ही यार गाइडेंस है तो इस वीक आप इस चीज का ख्याल जरूर रखें एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए